तो जैसे हम अपने रूम को छोड़ के बाहर आए, यहाँ पे ना फुलवारी देख सकते हो। वैसे तो मैंने कल रात को दिखाया था, लेकिन रात को उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आया। कितना मस्त सीसा है ना। अथू सीसा मैनी, अरे तेरे को देख के आज मार्केट में मना क्यों रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है, होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, और अभी फिलहाल नहाया धोया कुछ नहीं है, चाय वगैरह पी रखी है। अभी हमारा प्लान बन रहा है घूमने जाने का, तो अनु और मैं रेडी हो जाते हैं, इसके पापा भी रेडी होंगे, तीन के तीन रेडी हो जाते हैं। इनके तो रेडी होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन हम दोनों के टाइम लग जाता है, तो जल्दी से हम लोग रेडी होते हैं। और आज हम निकलने वाले हैं चंडाक पर्वत देखने के लिए। मुझे बहुत टाइम से मन हो रहा था कि मुझे चंडाक देखना है, तो फाइनली पिथौरागढ़ का प्लान बना, तो अभी वहाँ भी होके आ ही जाते हैं। तो मौसम की अगर बात की जाए ना, सुबह सुबह बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ पे पूरे ना चीड़ के पेड़ है चारों तरफ, ये देख लीजिए, और नीचे पे रोड है, और इतना ऊंचा है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, देखो। तो सासू माँ की कॉल आ रही है, चलो मैं बात करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं, ये होटल ना पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और चंडाक पर्वत के थोड़ा नीचे पे स्थित है, और जो कि फूलों से घिरा हुआ है। चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, जिन्हें देख के ना आप भी सोचोगे कि हाँ, कुछ है इस होटल में, कुछ बात है। मतलब पूरे होटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी है, सारा अंदर से लेके गेट तक फूल ही फूल लगे हुए हैं। तो मैं आपको नाइट व्यू दिखाऊंगी आज इस होटल का। वैसे तो मैं सुबह मॉर्निंग का व्यू भी आपको दिखाऊंगी, पर अभी जो व्यू दिख रहा है ना, वो एकदम ही फर्स्ट क्लास है। चलो चलते हैं, आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। दोस्तों, वैसे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा नीचे से है, लेकिन मैं उतना दूर अभी जा नहीं रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग भी इतनी प्रॉपर नहीं है। ये है रिसेप्शन से थोड़ा बाहर का एरिया, यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं इसको, ये भी है, क्या बोलते हैं इसको बताना कमेंट करके। तो ये पूरा व्यू है, ये पार्किंग एरिया है, जिसे मैं सुबह अच्छे से दिखाऊंगी आपको। चलो एंटर करते हैं। जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ये दिखाई देता है, पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़, पवित्र कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश यात्रियों के लिए है ये। तो जो भी यात्रीगढ़ आते हैं, वो इस होटल में ज़रूर ठहरते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये सरकारी होटल है। इधर पे जो भी किराया वगैरह है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी कितना किराया है इस होटल का। पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। दोस्तों, जो ये लाइटिंग वगैरह की हुई है ना, वो चार चांद लगा रही है इनमें। वाओ, देखो ना, मस्त लग रहा है ना। तो ये है व्यू पूरा होटल का। दोस्तों, ये फूल कितना मस्त लग रहा है ना। रिसेप्शन एरिया में भी ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना के रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो सबसे टॉप फ्लोर पे हमने रूम ले रखा है, तो वहीं के लिए मैं निकल रही हूँ। यहाँ थोड़ा लाइटिंग कम है, तो आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा वाला जो रूम है ना, वो ये है, एकदम अकेला सा, जो कि टेरेस पे है। और यहाँ पे ना टेरेस, अगर मैं सुबह आपको दिखाऊंगी ना, आपको ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो नाइट व्यू आपने देख लिया, मॉर्निंग का व्यू मैं आपको रूम का सुबह रूम टूर करवाऊँगी। डेफिनेटली आपको सारा देखने को मिलेगा। इन्होंने ना मोबाइल में अपना गाना वाना चलाया, तो वो भी सुनाई दे रहा होगा आपको। आज का जो डिनर है ना, वो हमने बालकनी में किया है। डिनर में क्या खा रहे हैं हम, पनीर, क्या है ये, कौन सा पनीर है, मलाई पनीर शायद, हाँ वही है, मलाई पनीर की क्या पनीर है, मेरा वाला कौन सा पनीर है, हेलो, मेरा वाला कौन सा पनीर है, बटर पनीर, जो तुमने पहली बार खाया जिंदगी में। ची बटर पनीर है, सच में पहली बार ही तो खाया, फिर आज से पहले कब खाया, नहीं खाया है यार, एक बार तुमने और खाया था, अच्छा हुआ है। तूने पानी गिराया, झूठ बोलती है, पानी गिराया तूने, नहीं पानी गिराया, क्यों गिराया पानी, विशुम 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 विशुम, दोनों की लड़ाई हो रही है, देखो तो, और लड़ो विशुम, नहीं ऐसे नहीं, मुंह से, बातों से, जो तुम लड़ रहे हो ना, पानी क्यों गिराया, पानी क्यों गिराया ना आपने, इसने पूरी बोतल पानी की वहां गिरा दी, तालाब बना दिया है, देखो क्यों गिराया पानी, अब वो सूखेगा कैसे, किसने गिराया वो पानी, क्यों गिराया पानी, बिल्ली, बिल्ली आई थी,
पेड़ा। अब इसको बाहर निकालो फटाफट पापा। जा भाग इधर से, भाग जा, साफ कर। सब कपड़े भी गीले कर दिए। साफ कर, साफ करो उसे। हाँ अपना भी गंदा होगी। हमारा बेड और कमरे की हालत कुछ इस तरीके की है दोस्तों। ये बहुत पुराना होटल है, मतलब 1900 कितने का है, चुप रहो, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। तो अभी तक बेडशीट ये वाली बिछाई हुई थी, ये मैंने हटा के ये मंगवाई है, नई बिछा के गए हैं वो लोग। और ये इसलिए हटाई ना क्योंकि ये पुरानी सी उनने बिछा दी थी, तो अनाया को सुला देती हूँ। इसने वहां पे गंदे से पैर रख दिए, इसने पानी गिरा दिया ना इसलिए। चलो, कितना मस्त सीसा है ना। अथू सीसा मैनी। अरे तेज को देख के आज मार्केट में मना क्यों रहे थे मुझे? मैं क्यों मनाऊं? कैसे मना रहे थे, अभी मनाओ। बबली ये क्या था बस। ही गाइस गुड मॉर्निंग। दिखाती हूँ एक चीज, इतनी बढ़िया सी चीज दिखाती हूँ ना, मतलब इसने सोने नहीं दिया है। बढ़िया भी यार, इसने नींद नहीं आने दिया 4 बजे से। वो ये है, ये कर्टन्स, उनके बाहर से आने वाला उजाला। यार मैं भी दिख रही हूँ यहाँ से ना, सनराइज हो रहे हैं। चलो मैं सुबह सुबह का व्यू दिखाती हूँ यहाँ से आपका। ये देखो 8 बज रहे हैं सुबह के, धूप सीधा रूम पे आ रही थी। और आजकल सुबह जल्दी उजाला हो जाता है, यानी कि 4:30-5 बजे ही उजाला हो जाता है। तब से उजाला अंदर आए जा रहा था, मेरी नींद खुल गई उसी टाइम। ये देखो बहुत ही ऊंचाई पे है यार। सुबह सुबह अगर ऐसी जगह देखने को मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, है ना, है ना बबली, सही बोल रही हूँ। मैं लगाती हूँ ना नीचे रिसेप्शन में कॉल, और चाय की टाप लग गई है इन्हें भी मुझे भी। चलो क्या बोलूँगी, देखो मैं कॉल लगा रही हूँ। 2-2 हेलो, रूम नंबर 108। सर चाय भिजवा देना प्लीज़, 2 चाय और पानी भी। कट गया ना, सही बोला ना। तो इसमें क्या है, इसमें भौरानी वाली बात क्या है? मैं भौरा गई थी कि मैं कहीं कोई गलत ना बोलूं। तो अब चाय आने वाली है, चाय पीते हैं फिर कहीं निकलते हैं बाहर घूमने के लिए। थैंक यू, चम्मच तो है ही। रुक जा। ये देखा, ये आया हमारे पानी, ये है आ गया मेरी बेटी के लिए दूध जो कि यहीं का दूध है, और ये पति पत्नी के लिए चाय है। चेस, चलो चाय पीते हैं। यहाँ ना उनकी 2-2 ट्रे पड़ी हुई है, और कह रहे होंगे ट्रे वापस भी नहीं कर रहे और यहाँ भेजते जा रहे हैं। एक ट्रे ये है, एक वहाँ पे पड़ी है, उधर भी है क्या एक? नहीं, एक वापस कर दी थी, 3 ट्रे थी ना, 3 बार चाय दूध चाय मंगाया। तो अभी 3री ट्रे आ गई है, बट दिखाऊँ तुमको अभी, कपड़े नहीं पहने इनने, पहनो फिर मैं वीडियो में लेती हूँ, पहनो ना, मैं ऐसा ही ले लूँगी। पानी पी लो पहले, मेरे पति बहुत नौकरियाले हैं भाई, नौकरियाले। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रही थी आपको टेरेस दिखा दूँ, यहाँ पे एक से बढ़कर एक फूल लगे हुए हैं। और इसके साथ ना इसके बाद होम की बारी है, रात को मैंने नाइट शूट भी किया था, और उसके बाद अभी छत की बारी है। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है फूलों का, फूलों के गमले यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से लेकर के ये सीधे उधर आगे तक है, और यहाँ पूरा ऐसे। और ना ये सरकारी होटल है, तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक फूल लगे हैं, और जो लोकेशन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है यहाँ की। साथ ही साथ में ना इसके ऊपर पे चंडाक पर्वत है जहाँ अभी हम घूमने निकलने वाले हैं। जैसे ये है स्ट्रॉबेरी, इतना सुंदर रोज़ है। तो ऐसे करके ना बहुत सारे फूल हैं, अब मैं दिखाने बैठूँगी तो
बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग बन जाएगा, तो इतने में ही मैं ऐसे ही दूर दूर से ही दिखा देती हूँ। कुछ बहुत फूला के पौधा, फूला के जो बीज है ना, वो मैं अपने साथ में लेके जा रही हूँ, लेकिन इसे चोरी भी बोल सकते हैं, मैंने चोरी किया है। वो बीज लेके जा रही हूँ जो कि सूख चुके हैं, जैसे ना इस फूल में है, जैसे ये सूख गया है, उसी तरीके से मैंने जो जो सूखे हुए बीज होंगे ना, वो मैंने निकाल के रख लिए हैं। तो उसमें चोरी क्या है ना, वो वैसे भी झड़ नहीं है इतने सारे बीज, से ये भी क्या करेंगे। वैसे अगर ये सप्लाई करते होंगे तो वो बात अलग है, सप्लाई करते भी होंगे। आते हैं, पहले पूरा छत दिखाती हूँ, चलो बहुत बकबक कर ली। इस तरीके से कुछ टेरेस है, ये देखो इतने प्रकार के फूल लगे हुए हैं, जिसको भी चाहिए वो यहाँ आ सकता है और बीज उठा के ले जा सकता है। बट ऐसा भी नहीं है यार, मैं इसका बीज नहीं ले पाई, पर मुझे लेना है ये सूख। बस डर आ रहे हैं, पर ना इस तरफ उतने ज़्यादा खास नहीं है। ये देखो ये सारे फूल लगे हुए हैं। तो जिस होटल में हम आए हुए हैं उसका ये मेन डोर है, बाकी टेरेस आपको मैंने दिखा दिया है। और अब मैं दिखाऊंगी अपना रूम, जिसको खोलते ही हमने, वैसे अभी हम चेकआउट करें तो थोड़ा सा गंदा हो रहा है। तो ये है मेन गेट, इसके बाद जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे छोटा सा रूम है। दोस्तों इस रूम से अटैच्ड एक वॉशरूम है, और साथ ही साथ में ये एक कवर्ड है, इसके अंदर ना रजाई और कंबल रखा हुआ है, जो कि हमें हर होटल्स में मिल ही जाते हैं। और इसी के साथ अटैच्ड एक शीशा है उसके साइड में, इसमें ना मैं बार बार खुद को देख रही हूं। चलो मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। ये है वॉशरूम और अच्छा खासा है ये भी। दोस्तों इस रूम की बात की जाए ना, ये काफ़ी पुराना रूम मुझे लगा, मतलब जो पुराने ज़माने में छत में कारीगरी होती है ना, ये वही है। इन छतों की एक खास बात होती है, ये सर्दियों में सर्दी नहीं लगने देते हैं और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी को अंदर भी नहीं आने देते हैं। इस रूम के किराए की अगर हम बात करें तो रूम का किराया था 1250 रुपये के हिसाब से, जो कि ओके था। इस रूम का जो बेस्ट पार्ट है वो ये बालकनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सुबह उठ के जो इसका व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। इसके सामने जो भी आपको ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये चीड़ के पेड़ है। यहाँ पे से ना इसकी ऊँचाई भी बहुत ज्यादा है दोस्तों, देख सकते हो। रूम में हमें क्या क्या चीज देखने को मिला, वो सबसे पहले ये टेलीफोन है, इसे ना बहुत पहले यूज किया करते थे और होटल्स में यही ज्यादा यूज होता है। और सामने पे लगी हुई थी दो कुर्सियां जिसमें हम बैठे ही नहीं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। यहाँ पे ना एक ड्रॉज है, और जो भी वर्क वगैरह करते हैं वो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसका कोई यूज नहीं हुआ। अब मैं आपको ना रिसेप्शन एरिया की तरफ ले जाती हूँ। ये है रिसेप्शन एरिया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अब प्लांट्स की तो बात ही क्या करूँ, क्योंकि आपको हर तरफ प्लांट्स दिख ही रहे होंगे एक से एक बढ़ के। इस वक्त चेकआउट का टाइम हो गया है, तो हस्बैंड जो है बिल वगैरह पे कर रहे हैं। अनाया को देखो, ये भी देख रही है अपने पापा को, और पतिदेव को तो हर टाइम गुस्सा आए रहता है, उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो स्कूटी के अंदर सारी जैकेट्स हमने भर दी हैं, अब हमारी प्लानिंग हो रही है यहाँ से निकलने की। वाओ इतना तगड़ा व्यू आ रहा है ना, फोटोज खींच लूँ तुम्हारी? हाँ तगड़ा आ रहा है। तो जैसे हम अपने रूम को छोड़ के बाहर आए, यहाँ पे ना फुलवारी देख सकते हो। वैसे तो मैंने कल रात को दिखाया था, लेकिन रात को उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आया। अभी आप देख सकते हो, एक से एक प्रकार के फूल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, हजारी से लेके हजारी तक, और प्लास्टिक के फूल भी हैं। मेरा तो दिल आ गया है। अब मैं सोच रही हूँ ना यहाँ से कुछ बहुत फूल लेके जाऊँ, लेकिन अब मुझे डर भी लग रहा है कि कैसे लेके जाऊँ। मैंने कुछ बहुत फूलों के बीज तो ले लिए हैं, लेकिन अभी भी मेरा मन है कुछ बहुत लेके जाने का, लेकिन पतिदेव भी अब डांट रहे हैं नहीं लेके जाने करके। चलो अब हम निकलते हैं, अपनी स्कूटी की सवारी करते हैं। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? चंडाक जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ठीक है, घर जा रहे हैं अब हम। चलो